सो हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज थोड़ा सा लेट उठा मैं, क्योंकि कल रात को लेट से सोया था। अभी सुबह 11 बज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी बताई थी कि मैं कैसे सिलेबस को खत्म करने वाला हूँ फेब के एंड तक। आज रिवीजन का क्या सीन रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और अभी मेरा सिलेबस कितना हुआ कितना बाकी वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो अभी हमारा टू डू लिस्ट रेडी हो गया, स्टार्ट करते हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर नंबर 5 करने से। यार, सिलेबस अपडेट के बारे में बात करें तो जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं 12th का फिजिक्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये फिजिक्स में मेरे थोड़े अभी बैकलॉग है, क्योंकि मैंने देखा करंट सिलेबस अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने वाला है और मैं अब इलेक्ट्रोस्टैट्स को शुरू किया हूँ। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन इसको टाइम के साथ कवर कर लेंगे। और केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके लिए मैं डिफरेंट अप्रोच बिल्कुल अपना रहा हूँ। मेरे को फिजिकल पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैंने सोचा सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एक बार दोबारा से रेडी करते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैं कोशिश करूंगा इसी मंथ के एंड तक खत्म कर दूँ, एंड इन ऑर्गेनिक को मैं फेब में स्टार्ट करूंगा करना। तो केमिस्ट्री ये सीन है, केमिस्ट्री ऐसे हो जाएगा अच्छे से जैसे मैंने सोचा है। तो अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हुआ, और इसको पूरा करने में आप टाइम देखो 2:09 PM हो गया है। तो अभी हमारा ये वाला टास्क तो पूरा हो गया, अगला टास्क मैं सोच रहा हूँ एंडोक्राइन लेने का। ये लास्ट ह्यूमन फिजियो का चैप्टर रहता है, इसके बाद ह्यूमन फिजियो भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसको देखना शुरू करते हैं। यार, मैं सोच रहा था बायोलॉजी को अच्छे से रैपिड डिवीजन टाइप में कोई टेस्ट सीरीज के साथ फॉलो करके रेडी करें, ताकि कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही अच्छे से रेडी हो जाए। उसके लिए मेरे को जो सबसे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज मिली हुई ये थी, ये जस्ट 49 rupees की है, एंड मुझे नहीं लगता कि इससे अफोर्डेबल कोई टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल होगी। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चीप है तो क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है या फिर इरिलेवेंट इसके अंदर क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चन है, टोटली एनसीईआरटी। Also, ये शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, एंड ये रैपिड डिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड चूंकि मेरा बायोलॉजी मोस्टली क्लियर है, तो मैं रैपिड डिवीजन के लिए शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज पे जाऊंगा। एंड रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मैं अपने पेस पे करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए कोई शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज पे नहीं जाऊंगा। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने सोचा है लेके चलने का वैसे लेके चलूंगा। तो अगर आप भी कोई अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज देख रहे हो जिससे बायो का रैपिड डिवीजन हो पाए, अच्छे से बायो रेडी हो पाए, तो यू कैन चेक दिस टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, एक तो आप डायरेक्ट इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप उसके थ्रू उनको मैसेज करना और आपको कोड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप बस 49 rupees में इनरोल कर सकते हो इसके अंदर। तो एंडोक्राइन को कंप्लीट करने के बाद मैं चला जाता हूँ लंच करने। अभी मैं छत पे आया हूँ लंच करके, और अभी आपको बाहर का मौसम देख के पता लग रहा होगा कितनी ज्यादा ठंड है बाहर। अभी यार कुहासा देख के लग रहा है कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और आज धूप निकलने का कहीं नाम निशान नहीं है। देख रहे हो आप ऊपर का बादल कैसा है, और बहुत ठंडी हवाएं बह रही है। अलग आप उन्हें देखो इतने ठंड में, भाई वो पानी पे नहीं खड़े हैं, बर्फ पे खड़े हैं। मैं अभी बाहर का मौसम देखे बता रहा हूँ, इतनी ठंड है भाई, पानी कितना ठंडा हुआ होगा। यार किसी ने सही कहा है कि जिनको काम करना होता है ना, उसको हर हाल में करते हैं। इतने बड़े फील्ड में अकेले ये दो लोग इतने ठंडे पानी में, मतलब क्या ही बोले। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, इट्स रियली सो कूल। तो अभी आई एम बैक, और यार लाइट चली गई है तो पूरा अंधेरा हो रखा है, और जहाँ पे मैंने बायो को छोड़ा था ये पेज वैसे ही ओपन है। खैर, तो अपन आगे अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। अभी यार चूंकि लाइट नहीं है तो लैपटॉप वाईफाई चलेगा, नहीं तो फिर फोन के अंदर ये देखता हूँ लेक्चर करने का। आ गई यार लाइट, क्या बात है। ठीक है, मैं एक्चुअली प्लान बना रहा था कि लाइट नहीं है तो लैपटॉप की जगह फोन में ही देख लेता हूँ जो हमें आगे देखना था लेक्चर, पर लगता है लाइट ने भी हमारी बात सुन ली, और क्या सही टाइम पे एंट्री मारा। कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, नहीं नहीं आगे नहीं बोलूंगा, फिर से लाइट भग गई। तो अभी इधर हम एंडोक्राइन तो करके ही गए थे, एंडोक्राइन हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगला मेरा आइसोमेरिन जो बचा हुआ था थोड़ा पोर्शन उसको कंप्लीट करता हूँ पहले, और फिर मेरे को आइसोमेरिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी करना है, तो इसको भी देखेंगे। फिलहाल तो इसको करते हैं पहले। तो यहाँ तक पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने कर रखा था, यहाँ से आगे में वो करना है, ज्यादा पार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ही है, तो इसको देख लेते हैं अपन। आइसोमेरिज को पूरा खत्म करने में रात के 8:44 PM हो जाते हैं। अभी चूंकि डिनर का टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ छोटा सा ही कोई टास्क लेने का, ताकि डिनर तक वो कंप्लीट हो पाए। तो सबसे सही लगा जो मैंने इलेक्ट्रो पढ़ा है उसके डीपीपी मेरे को लगाने हैं, तो इनको कर लेते हैं। अब तक मैंने एक भी डीपीपी नहीं लगाया इसका, तो इसको देखते हैं। यार 11th फिजिक्स के मेरे बहुत सारे चैप्टर के डीपीपी छूटे हैं, बट 12th मैंने शुरू किया तो सोचा एटलीस्ट इसका डीपीपी हम करते चलते हैं। एंड आगे जब हम बीच में टाइम निकालेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो हम उसके अंदर 11th के जो हमारे डीपीपी रह गए हैं कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व कर लें। मैंने 2 DPP लगाए, मामे को डिनर के लिए बुला रही थी और टाइम हो भी गया था डिनर का, अभी 9:18 हो रहा है। तो इधर हमारा DPP वाला टास्क तो पूरा हो गया, और मैं कोशिश करूंगा लास्टली सारे टास्क को खत्म करने के बाद अगर हमारे पास टाइम मिल पाता है तो और मैं DPP लगा लूँ इलेक्ट्रो के। खैर फिलहाल डिनर को चलते हैं। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम डिनर, जो मैंने आइसोमेरिन खत्म किया था उसके मेरे को क्वेश्चन लगाने थे, तो मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना शुरू कर देता हूँ।
कोई मैंने आइसोमेरिज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है और अभी करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देखो रात के 11:20 PM हो गए हैं। खैर हमारा ये वाला टास्क तो पूरा हो गया है तो ये डन है। अब रहता है एक और लेक्चर जो हमें इलेक्ट्रोस्टेट्स का लगाना था तो इसको देख लेते हैं। एंड अगर आपके भी बैकलॉग धीरे धीरे करके इकट्ठे हो गए हैं फिजिक्स के अंदर तो आप भी ऐसे कर सकते हो, एक दिन में दो दो लेक्चर करना। मैंने ऐसे ही वेव वाले चैप्टर को पूरा खत्म किया था 4 दिन के अंदर और फिर एक दिन एडिशनली लास्ट में दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और रिविजन के लिए। बीच में मैं रिविजन कर रहा था वेव को। तो आपके भी जितने चैप्टर हैं आप टारगेट एक सेट करो और उस हिसाब से आप एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर से ज्यादा मत रखो फिजिक्स का। एंड आप बीच बीच में रिविजन भी करते चलना, फिर हो जाएगा। मैं ऐसे ही इसी तरीके को यूज करके करंट लेक सिटी तक आने वाला हूँ जो अभी करंट सिलेबस चल रहा है। हर रोज मैं अभी कोशिश करूंगा दो दो लेक्चर ही करूँ और बीच एक दिन का गैप लूंगा जब एक चैप्टर खत्म होगा और उसको अच्छे से रिवीजन एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर लेंगे। तो यार अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हुआ और ये काफी लंबा था, काफी टाइम लगा इसको करने में, 2.5 घंटे के आसपास का लेक्चर था। अभी टाइम 2:23 AM हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 इनफैक्ट बजने वाले हैं। एंड चूंकि हमारे आज के सारे टारगेट्स खत्म हो गए थे, लास्टली मेरे पास फिर भी थोड़ा सा टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा सोने को जाने से पहले थोड़े डीपीपी लगा लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, एंड फिर मैं सोने को गया। आप अगर अभी पढ़ने को जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, एंड अगर सोने को जा रहे हो तो गुड नाइट, एंड बिना पढ़ाई किए सोने को जा रहे हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन। यार ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, आप सोचो लिटरली इतनी ठंड में अभी नल से जो पानी आता है उससे हाथ धोने पे लगता है यार हाथ फ्रीज हो जाएगा, और आप सोचो ये वैसे ठंडे पानी में काम कर रहे हैं। ये दिखाने के पीछे ये रीजन था कि आपको देख के रियलाइज होगा यार लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें अपने बस रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करना होता है तो लगता है कितना टफ टास्क है। खैर कीप स्टडिंग, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन मोस्ट अफोर्डेबल चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज।